हेलो फ्रेंड्स एंड डॉक्टर जुगल चहल अगेन आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लगभग प्रत्येक महिला इसे सफर करती रहती है, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जो है वजाइना से वाइट डिस्चार्ज, वाइट और येलोइश डिस्चार्ज अगर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको ल्यूकोरिया के नाम से जाना जाता है। जो व्हाइट डिस्चार्ज है ये वेरी कॉमन है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा वजाइना में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वजाइना की क्लीनिंग भी हो जाती है। लेकिन अगर ये एक्सेसिव मात्रा में हो रहा है देन इट इज ए एरिया ऑफ कंसर्न, और इसका मेन कारण हो सकता है वेजिनाइटिस, यानी कि स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन इन द वजाइना, then infections, maybe fungal infection, maybe yeast infection or bacterial infections हो सकते हैं, hormonal changes at the time of puberty, pregnancy, menopause or just near to the menstruation start. So there may be excessive white discharge from the vagina. और इसका इसकी वजह से stress और anxiety होने लगता है। प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल होता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अगर इंक्रीज्ड वाइटिश डिस्चार्ज है देन इट इज एरिया ऑफ कंसर्न। इसमें हमारी लिथार्जी हो जाती है, सुस्तीपन हो जाता है, वीकनेस भी बॉडी में आ जाती है, लंबर एरिया में और काफ मसल्स तक इसका पेन जा सकता है। लंबर एरिया में कमर के पीछे में, तो इसके इसको मैंने क्लीन हाइजेनिक कंडीशन हमें रखनी होती हैं इन वजाइना और अराउंड वजाइना, सो वी कैन वॉश वजाइना और सराउंडिंग एरिया विद लेमन एंड वाटर रेगुलरली, सो दैट ऑल द बैक्टीरियाज आर डिस्ट्रॉयड। देन बनाना इज वेरी गुड, सो वन और टू बनानाज डेली वन पर्सन कैन ईट। लेकिन इसमें हमें कॉटन के पैंटीज वगैरह पहनना चाहिए, टाइट पैंटीज नहीं पहनना चाहिए। रात को विदाउट पैंटी अगर सो सकते हैं दैट इज ऑलवेज बेटर। और ग्रोइन एरिया में जो हमारा पेल्विक एरिया है उसमें हमें स्वेटिंग को अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली इसकी मेडिसिन से इफेक्ट नहीं होता है, कई मंथ तक लेनी पड़ती है तब भी ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन सुजोक थेरेपी में ये बड़ी जल्दी हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला है हमारा यूट्रस एरिया, जो मैंने पहले बताया था। यूट्रस एरिया पे हम यहाँ पर मसाज कर सकते हैं, इस हाथ पे भी और इस हाथ पे भी, इस पे रेगुलर मसाज करते रहिए। और साथ ही इस पर हमें, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होता है ये, तो इसके ऊपर हमें ग्रीन कलर लगाना चाहिए अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। दोनों हाथों पे हम लगा सकते हैं ऐसे, इस हाथ पे भी और यहाँ पर भी हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं। और ग्रीन कलर से ही हमें जो रिंग फिंगर है हमारे, इसके ऊपर आउटर जॉइंट के ऊपर पहला से सेंटर में, देन आउटर जॉइंट और ये जो मिडल जॉइंट है ऊपर से वन थर्ड पे, नीचे वन थर्ड पे, ये जो पॉइंट रहता है हमारा इस जॉइंट के सेंटर में नहीं रहता, ऊपर से वन थर्ड रहता है, और तीसरा पॉइंट हमारा रहता है इस जॉइंट के और नेल बेड के सेंटर में। तीन पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं और चौथा पॉइंट थंब के ऊपर अगर हम लगाते हैं, इससे हमारा जो वाइट डिस्चार्ज है धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। और साथ ही हमें, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है ये, तो हमारे यहाँ पर ये जो किडनी रहती हैं, किडनी के साथ एड्रिनल ग्लैंड्स भी हैं, इनको हमें रोज स्टिमुलेट करना चाहिए, इस हाथ पे भी आधा मिनट एक मिनट तक इस हाथ पे, आधा से एक मिनट दूसरे हाथ पे, इनको घूमने के लिए जो हमारे दोनों उंगलियां हैं इनके बीच में जो चैनल जाती है, चैनल जाते जाते जो ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पर, दिस इज अवर किडनी पॉइंट एंड बोन के ऊपर हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। सिमिलरली इन दोनों उंगलियों के बीच में चैनल जहाँ पर ब्लॉक होती है दैट इज द पॉइंट वेयर वी शुड गिव द प्रेशर फ्रॉम द बोथ हैंड्स। अगर हम इतना ही कर लेते हैं और हाइजीन मेंटेन करते हैं तो विश्वास के साथ करें तो ये ल्यूकोरिया से हम छुटकारा पा सकते हैं।
इससे अगला वीडियो हमारा यूरिक एसिड के ऊपर होता है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।